क्वेश्चन 64 कर लेते हैं, जो कि सीआरएल 2020 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ अराइवल टाइम एंड बर्थ टाइम फॉर थ्री प्रोसेसेस P0 P1 P2। द प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड। शेड्यूलिंग इज कैरीड आउट ओनली एट अराइवल और कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर थ्री प्रोसेसेस इज, यहां पर फिल करना है हमें और ये ऑप्शन दिए हैं। हमारे को यूज कौन सी वो एल्गोरिथम करनी है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कौन सी वाली, प्रीएम्प्टिव वाली। प्रीएम्प्टिव वाली कौन सी होती है, जो क्या होती है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या फिर शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट, कुछ भी कह लो, ठीक है। प्रीएम्प्टिव टाइप की शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम यूज करनी है और हमारे को फाइंड क्या करना है, हमारे को एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है थ्री प्रोसेसेस का। हमारे को दिया है अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, तो हम गैंट चार्ट बना लेते हैं। टाइम है जीरो, ठीक है, अराइवल टाइम जीरो है, कौन आया, पी नॉट। कब तक चलेगा, वन तक चलेगा, ठीक है। तो फिर ये कब आया, वन तक चला, ये 9 से 8 हो गया क्योंकि वन पे सेकंड अराइव हो रहा है इसलिए वन तक चला। ओके, तो अब वन पे टाइम आया वन, पी वन अराइव हो गया अराइवल टाइम वन पे। अब हमारे पास दो प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, पी नॉट एंड पी वन। इन दोनों में शॉर्ट शॉर्ट कम बस्ट किसका, शॉर्ट बस्ट किसका है, इसका है P1 का, तो हम P1 को दे देंगे CPU, ठीक है। फिर P1 तक कब तक चलेगा, जब तक नेक्स्ट अराइव नहीं होता, नेक्स्ट कब अराइव हो रहा है, 2 पे। तो टाइम हो गया 2, ये कौन, P1 हमारा एक चला, यानी कि टाइम हो गया 3, ठीक है। अब P2 भी अराइव हो गया, टाइम है 2, तो हम इन तीनों में से चेक करेंगे सबसे कम बस्ट किसका है, P0 का, P1 का, P2 का है। तो इसमें P1 का सबसे कम बस्ट है, तो हम P1 को वापस CPU पकड़ा देंगे, ठीक है। अब किसी को अराइव नहीं हो रहा तो हम इसको पूरा चल देंगे 3, टाइम हो गया 5, टाइम हुआ 5। अब इसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट हो गया P1। अब देखना P0 और P2 में से कौन सा छोटा है, P0 छोटा है, ठीक है। तो P0 अपना पूरा चलेगा 8, कितना हो गया, 8 5 13। फिर बचा P2 कितना चलेगा अपना पूरा 9, P2 ने अपना पूरा 9 चला, टाइम हो गया 22, ठीक है। तो हमारे को इसका कंप्लीशन टाइम देखना, कंप्लीशन टाइम क्या हो गया हमारा, पीछे से देखना शुरू करेंगे, P2 का 22 है, P0 का 13 है, P1 का 5 है, ठीक है। अब टर्न अराउंड टाइम देख लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 13 में से 0 गया 13, 5 में से 1 गया 4, 22 में से 2 गया 20। अब हमारे को वेटिंग टाइम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे को एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है। तो 13 में से 9 गया कितना बचा, 13 में से 9 गया 9 5 13 9 4 13 9 4 13 9 4 13, 4 में से 4 गया 0, 20 में से 9 गया 11, ठीक है। हमारे को एवरेज निकालना है, कितना हो गया, 4 0 11/3 15/3, 3 5 15, 5 आ गया। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5 सेकंड, ओके।